डीसीएम तो हम थे, उप मुख्यमंत्री हम थे, हम पे आरोप लगा, हम पे झूठे फर्जी केस हुए, तो इस पे डाइल्यूट ना करें, आज एनपीआर और एनआरसी पे रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज बिहार विधानमंडल दल में गर्मा गर्मी का माहौल रहा, बहुत ही कह सकें तो एनआरसी एनपीआर के मुद्दे पर लेकर बहस हुई, आपस में झड़प जैसी नौबत आ गई। लेकिन उसके बाद जब तेजस्वी यादव बोलने लगे, उसके बाद फिर सुशील मोदी ने खुद कहा कि एनपीआर जो काम शुरू करवाया जाना है मई से, वह 2010 के मॉडल से ही होगा, उसी के अनुसार होगा। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पहले भी कहा था एक सभा के दौरान, तो उसी पर जब नीतीश कुमार की तरफ से पलटवार निकल के आया सदन के अंदर, उन्होंने साफ साफ कहा कि 2010 मॉडल के अनुसार ही होगा, आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। उस पर ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर सदन के बाहर आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, जो भी प्रस्ताव आएगा, मुख्यमंत्री जी का था कि प्रस्ताव जो उनका जो चिट्ठी है बिहार सरकार का, वो जो है सहमति से हाउस जो है पास करे। लेकिन उस चिट्ठी में गौर से सुनिएगा, 15 वाले चिट्ठी में केवल फॉर्मेट का जिक्र है और एनपीआर का जिक्र है। हमारी मांग है कि एनआरसी को भी उस प्रस्ताव में सदन सहमति पास करे, इंक्लूड करे, एनआरसी को इंक्लूड करना चाहिए, एनपीआर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। और एनआरसी जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खतरा है, तभी तो उन्होंने चिट्ठी लिखा और फॉर्मेट की जिक्र की, जो भी एनपीआर का फॉर्म होगा, तो उसको इन्होंने प्रस्ताव में क्यों नहीं लाया। तो हम लोगों को संदेह था इस बात को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री का इतिहास भी जो है विश्वास करने वाला नहीं रहा, जो उनका इतिहास रहा है जल्दी विश्वास नहीं होता। तो हमने बोला फॉर्म तो सिर्फ आपने लिखा, जिसके आलोक में आपने चिट्ठी दिया, तो वो जो चिट्ठी है और साथ ही साथ जो फॉर्म है जिसके आधार पे आपने चिट्ठी बनाई है और जिसको कह रहे हो कि आप प्रस्ताव में शामिल पास कीजिए, तो विपक्ष के लोगों ने तो देखा ही नहीं, ना सरकार के किसी मंत्री ने देखा, ना सरकार सत्ताधारी दल के किसी विधायक ने देखा, किसी ने नहीं देखा मुख्यमंत्री के अलावा। तो बिना देखे हम क्या पास कर रहे हैं, कल को कुछ फिर मुख्यमंत्री जी ठान लेंगे जालसाजी में, तो कल को जिम्मेदारी जो है विपक्ष पे आएगी। तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया है दो चीज़ का, कि पहला चीज़ जो है एनआरसी इंक्लूड कीजिए, दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूट कराइए फॉर्म, और फिर फॉर्म के आधार पे उसी जो प्रस्ताव है इसको हम लोग जो है एनपीआर एनआरसी को लेकर के हम लोग केंद्र सरकार को भेजने का काम। ये तो मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, विपक्ष की बात को सहमत है, लेकिन खतरा उसमें प्रस्ताव में तो शामिल नहीं कर रहे थे वो, यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है काम भी निकल जाए, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली नीति पर चल रहे थे। तो हमने बोला कि भाई एनआरसी जब खतरा है तो आप इंक्लूड कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, एनआरसी खतरा है तभी तो आप जो है प्रस्ताव भेज रहे हो, तभी तो आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं फॉर्म में जो आपका एनपीआर का है। और वो फॉर्म तो हम लोगों ने देखा नहीं, तो दिखाएगा कौन। हम लोग कोई भी प्रस्ताव अगर पारित करें तो बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए, बिना कागज देखे हुए हम कैसे कर देंगे। जनता बड़ी उम्मीद रखी हुई है हम लोगों से और उस उम्मीद को हमको तोड़ना नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है सदन में भी आप लोगों ने देखा, तो आपने सुना, उस बात पर भी जवाब तलब करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि जब नीतीश कुमार ने कहा था कि आपको बोलने का हक नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा कि उप मुख्यमंत्री तो मैं था ना, आरोप मेरे ऊपर लगे थे। इन सभी बातों का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है और क्या कुछ कहा आपने सुन लिया है। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।